एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? तो सुबह का टाइम है यहाँ पर और आज यांश भी जो है ना साथ ही में उठ गया है मेरे और मुझसे कुछ बातें कर रहा है यहाँ पर। और मैं लगा रही हूँ सुबह की बासी झाड़ू, तो ये मैं रोज़ ही लगाती हूँ। यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपना गर्म पानी पीने के लिए। तो आजकल मैं गर्म पानी ले लेती हूँ, कभी ठंडा पानी भी ले लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर चेन्नई में गर्मी होने लग गई है अभी। तो आज मैं ले रही हूँ गर्म पानी और उसमें साथ में ऐड कर रही हूँ लेमन। और ये जो मैंने आपको दिखाया ये है फ्लैक्सीड का पाउडर यानी अलसी का पाउडर। तो मैं इसे भी मिक्स कर देती हूँ अपने नींबू पानी में। कभी कभी मैं चेंज करती रहती हूँ, कभी मैं एप्पल साइडर विनेगर ले लेती हूँ, या फिर मैं कभी नींबू ले लेती हूँ, कभी सिर्फ हनी डाल के, जैसा मेरा मूड होता है वैसे ही मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं पीने आ गई थी बाहर, तो जियांश भी आ गया था। और जो आज ना फ्राइडे था तो मुझे इसके नेल्स कट करने थे, तो वही मैं अभी नेल्स कट करूँगी। ये आराम से वैसे कटवा लेता है नेल्स, इसको शुरू से ही मैंने ऐसे ही आदत डाली है कि मैं इसको ऐसे बिठाकर ही इसके नेल्स कट करती हूँ। तो यहाँ पर ना जियांश के लिए स्नैक्स रेडी कर रही हूँ। तो मैंने इसको ना स्नैक्स में एक कपकेक दिया था जो मैंने बनाया था, और फिर ये कैरेट और ये कुछ काजू पहले मैंने ऐड कर दिया था, लेकिन इसके बाद में है ना मैं इसका स्नैक्स बॉक्स पूरी तरीके से चेंज करने वाली हूँ, क्योंकि ना कपकेक इसने देख लिया था, तो कपकेक इसने ब्रेकफास्ट में खा लिया और फिर मैंने इसे दूध दे दिया। तो फिर मैंने इसका जो स्नैक बॉक्स है ना उसको चेंज कर दिया था। वहाँ पे मैं स्मूदी की तैयारी कर रही थी और पनीर भी मैंने रात को बना लिया था, अच्छे से बन गया था, सेट हो गया था। और यहाँ पर फटाफट से आटा लगा लूँगी रोटियाँ बनाने के लिए। सो आटा यहाँ पर मैंने लगा दिया और यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ पालक पनीर बनाने की। तो पालक पनीर के लिए मैंने ग्रेवी रेडी कर रही हूँ। तो ग्रेवी में मैंने लिया है यहाँ पर एक मीडियम प्याज और एक छोटा टमाटर ले लिया है मैंने, ग्रीन चिली ऐड कर रही हूँ और यहाँ पर कुछ काजू ऐड कर रही हूँ। तो काजू आप ज़रूर ऐड करें पालक पनीर में, इससे जो है ना ग्रेवी बहुत ही क्रीमी बनती है और जो कलर है ना वो भी बहुत अच्छा आता है। तो आप काजू ज़रूर ऐड करके देखिएगा। और यहाँ पर मैं जियांश के लिए बना रही हूँ पराठा, तो पनीर का पराठा मैं उसे बना के दूँगी स्नैक बॉक्स में, क्योंकि कपकेक उसने ब्रेकफास्ट में खा लिया था ना। तो यहाँ पर मैं पराठा बना दूँगी और पराठा के साथ मैं उसे दे दूँगी कैरेट। सो पराठा भी सिक गया है, घी में मैंने इसे सेका है और इसे मैं कट कर दूँगी पिज़्ज़ा स्टाइल में। तो यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया था और ऑयल में मैंने सिर्फ ज़ीरा ऐड किया, और उसके बाद मैंने जो ये ग्रेवी बनाया था ना पेस्ट वो ऐड कर दिया था, और जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली क्रश किया हुआ मैं अभी ऐड कर रही हूँ, पहले मैंने ऐड नहीं किया था तो मैंने अभी कर दिया। और उसके बाद जो है ना ये ग्रेवी को अच्छे से हमें ना भूनना है, तो जब तक इसमें घी या जो तेल है ना वो छोड़ नहीं देता, जब तक इसे अच्छे से मैंने भून लिया था। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड किया है किचन किंग मसाला, बहुत ज़्यादा मसाले मैं ऐड नहीं करूँगी इसमें। तो यहाँ पर मैंने सॉल्ट को भी ऐड कर दिया है और देखिए यहाँ पर जो पनीर का पालक का जो प्योरे है ना कितना अच्छा रंग आया है, तो इसे भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है और अच्छे से ऐड कर दूँगी। और जो पानी है ना पॉट को वॉश करके जो पानी बचता है वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। सो इसके साथ साथ ना वहाँ पर रोटियाँ भी बना रही हूँ, लंच बॉक्स में पैक करना है ना, तो दोनों साथ में ही कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया गरम मसाला और मैंने इसमें ऐड किया था बस थोड़ा सा धनिया का पाउडर, इसमें मैंने हल्दी या फिर मिर्च का पाउडर ऐड नहीं किया, उससे जो है ना कलर थोड़ा सा मुझे लगता है चेंज हो जाता है पालक का। तो सारे मसाले वगैरह डाल दिए हैं और इसे ढक देंगे 2 मिनट के लिए, पक जाएगा अच्छे से, मसाले पक जाएंगे, पालक तो वैसे पका हुआ ही है तो फिर भी एक बॉयल आ जाएगा तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और ये पनीर है, होममेड पनीर है, ये मैंने कल ही बनाया था, व्लॉग में आपने देखा होगा। तो देखिए होममेड पनीर है ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट हुआ है। सो पनीर को भी यहाँ पर ऐड कर देंगे और गैस को मैंने ऑफ कर दिया यहाँ पर, तो हमारी सब्जी जो है बिल्कुल रेडी हो गई है। और यहाँ पर लंच बॉक्स भी मैं यहाँ पर रेडी कर दूँगी। तो देखिए लंच बॉक्स में है यहाँ पर पालक पनीर
और यहाँ पर है रोटियाँ, और यहाँ पर है थोड़ा मिक्सचर ऐड किया है, यहाँ पर कैरेट दे दिया मैंने, और ये एक अलसी का लड्डू है जो मैंने शेयर किया है रेसिपी आप लोगों के साथ किसी एक व्लॉग में, तो आप देख सकते हैं मेरा व्लॉग। और लंच बॉक्स रेडी होने के बाद यहाँ पर मैंने मेरे लिए स्मूदी भी बना लिया था, तो वो मैं पीऊँगी अभी। और ये डायरेक्ट आपको मैं मिल रही हूँ शाम को, तो शाम को ना पार्क में लेकर गई थी जियांश को, तो अच्छा लगता है ना आजकल थोड़ा जाने लगी हूँ तो मुझे भी फ्रेश हो जाता है थोड़ा, और जियांश भी काफ़ी अच्छे से खेल लेता है, थक जाता है तो आराम से सो जाता है रात को। सो यहाँ पर देखिए काफ़ी रात हो ही गई थी, मतलब 7 जितने बज गए थे तो अंधेरा हो गया था, तो इसके बाद हम घर चले गए थे, मच्छर भी हो रहे थे। तो देखिए यहाँ पर वापस आ गई हूँ डिनर प्रिपरेशन के लिए, और यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं हस्बैंड भी, तो सुबह की पालक पनीर थी रखी हुई तो हम वही ले लेंगे। और चावल बन रहे हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर देख रहे होंगे ढेर सारे टमाटर, वो हस्बैंड आज कुक करने वाले हैं, और जियांश को मैं चली गई थी खाना खिलाने। तो यहाँ पर आज हस्बैंड बना रहे हैं, पता नहीं क्या बनाया था टमाटर का, मैं भी अभी देख रही हूँ रेसिपी, तो उन्होंने यहाँ शायद ऑयल लिया है सरसों का और उसमें ऐड कर दिया था जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और वो करने के बाद शायद उन्होंने टमाटर ऐड किया, इसमें उन्होंने रसम पाउडर भी ऐड किया था, सॉल्ट और लेमन वगैरह ऐड करके बनाया था। तो देखिए कैसा बना है, पूरा झोल का बनाया था चावल के साथ खाने के लिए, तो बहुत ही अच्छा लगा था मुझे, तो बहुत टेस्टी बनाया था उन्होंने, अच्छा बना लेते हैं वो खाना। तो देखिए यहाँ पर बन गया है, ये भी रेडी हो गया है। एक्चुअली ना कैसा भी बनाओ अच्छा ही लगता है, हमें हाउसवाइफ्स को कोई बनाकर खिला दे तो उसका टेस्ट अलग हो जाता है ना, तो पीने में खाने में अच्छा लगता है। तो डिनर वगैरह कंप्लीट हो गया था यहाँ, दूध आ गया था तो दूध मैंने गर्म कर दिया, और जो बर्तन थे ना उन्हें मैं पानी से निकाल के पीछे रख देती हूँ कि जो हाउस हेल्पर आ जाती है ना सुबह तो वो धो देती है, और फटाफट से यहाँ पर किचन को क्लीन करूँगी यहाँ पर। वो काउंटर टॉप अच्छे से क्लीन हो गया है, और कुछ एक बर्तन जो मुझे सुबह भी चाहिए होते हैं वो मैं वॉश करके यहाँ पर रख लूँगी। और किचन का ना ये कॉर्नर काफ़ी दिनों से सोच रही थी मुझे क्लीन करना है, तो आज मैं इसे क्लीन करने वाली हूँ, काफ़ी हो रहा था मैसी। तो देखिए यहाँ पर सारे जो सामान है ना उसे बाहर निकाल लूँगी, और जो ये स्टैंड है प्लास्टिक का उसे मैं वॉश कर लूँगी, और वॉश करके ना मैंने पोंछ के वापस लगा दिया था क्योंकि सुखाने का इतना टाइम नहीं था मेरे पास, तो फटाफट से इसे मैं वॉश करूँगी और सुखा कर वापस रख दूँगी, और सारा सामान मैंने अरेंज कर दिया।
सो देखिए, हो गया है मेरा किचन सुपर क्लीन। और इसी के साथ मैं आज का ये व्लॉग भी यहीं एंड करती हूँ। आई होप यू लाइक द वीडियो। थोड़ा भी अच्छा लगे हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके आपका कोई सजेशन है तो प्लीज़ मुझे बताइए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अगर बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।